हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एक्शन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जैसे प्रीवियस वीडियो में टॉपिक कर रहे थे, व्हाट यू मीन बाय द डेटा कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जिसके अंदर से हमने व्हाट यू मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन, क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन और उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डेटा को कम्युनिकेट करने में या फिर कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। तो फर्स्टली जो कंपोनेंट आता है वो आता है मैसेज, जो हम मैसेज सेंड करेंगे, जो भी डेटा होगा हमारा एक्चुअल में वो होता है मैसेज। फिर सेंडर, सेंडर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो आपको डेटा सेंड कर रहा है। एंड रिसीवर, एक ऐसा पर्सन जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। फिर आता है मीडियम, मीडियम क्या होता है कि आप किस मीडियम के थ्रू मैसेज को सेंड कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल, कि कौन से टाइप के रूल्स का आप यूज़ कर रहे हैं डेटा को कम्युनिकेट करने में। ये तो हुई बात सिंपल सी कि कौन से पॉइंट है और उसका काम क्या है। इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है मैसेज। मैसेज में क्या आता है, फ्रॉम द वर्ड इट्सेल्फ, इस पूरे के पूरे वर्ड से ही, इस मैसेज वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि इसका काम क्या होगा। फ्रॉम द वर्ड इट्सेल्फ, इस वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दैट दैट मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, कि मैसेज क्या होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई डेटा हो सकता है। दैट इज सेंडर एंड रिसीवर इंटेंडेड टू गेट नोन बाय द अदर पर्सन इन द कम्युनिकेशन। यानी कि मैसेज क्या है, एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ डेटा है या कुछ इंफॉर्मेशन है जो सेंडर के थ्रू सेंड की जाएगी रिसीवर को। क्या होता है कि एक कुछ ना कुछ डेटा होगा या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी और सेंडर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने रिसीवर के पास शेयर कर देगा, राइट। और जिसके थ्रू ही वो क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं अनदर पर्सन के साथ। द मैसेज इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द पार्टीज इन कम्युनिकेशन, द मैसेज मस्ट बी माइट बी द टेक्स्ट, ऑडियो, हाइपरलिंक, इमेज, वीडियो एंड एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि आपने ये तो देख लिया कि मैसेज होता क्या है, कि जो सेंडर सेंड करेगा रिसीवर को वो होता है मैसेज, ठीक है। बट मैसेज के अंदर होगा क्या, किस टाइप का वो मैसेज होगा, कितने भी टाइप का हो सकता है, जो भी आप मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहते हैं बिटवीन द पार्टीज इन फॉर द कम्युनिकेशन, वो कुछ भी डेटा हो सकता है। टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी कि आप कुछ टेक्स्ट लिख के सेंड कर रहे हैं, कुछ ऑडियो भी हो सकती है कि आपने अपनी वॉइस सेंड की है, कुछ हाइपरलिंक्स भी हो सकते हैं जिस पे आप क्लिक करेगा अगर रिसीवर तो अनदर पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ इमेजेस हो सकता है कुछ वीडियोज हो, मतलब डेटा जो आपको मैसेज है ना वो किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट्सअप पे हम चैट करते हैं, व्हाट्सअप पर हम टेक्स्ट भी सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर हम ऑडियो को भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, वहाँ पर हम हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं, वहाँ पर हम हाइपरलिंक्स भी लगा सकते हैं, वहाँ पर इमेज भी शेयर की जा सकती है और वीडियोज भी शेयर की जा सकती है। प्लस आजकल तो और भी ज़्यादा, जैसे GIF जो होती हैं, GIF जैसे कि आप पिक्चर्स को देखते हैं, GIF टूल्स आप भेजते हैं, उस तरीके से वहाँ पर GIF इमेजेस होती हैं, JPG तो आप भेज ही सकते हैं, GIF भी सेंड कर सकते हैं, स्टिकर्स आने लग गए, स्टिकर सेंड कर सकते हैं, आप इमोजीज को भी सेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैसेज है जो आप सेंड कर सकते हैं सेंडर टू रिसीवर तक। सेंडर का यहाँ पर क्या काम होगा, सेंडर इज अ पर्सन, सेंडर एक ऐसा पर्सन है और द कंप्यूटर, यानी कि सेंडर एक कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है या फिर कोई डिवाइस हो सकता है, कुछ भी डिवाइस, हब, स्विच, राउटर, डिवाइस हो सकता है। Who is used to send the data to the other party in the communication? यानी कि sender एक ऐसा person है या ऐसा computer system है या फिर ऐसा device है जो एक party से किसी another party तक हमारे data को send कर रहा है, sender का काम कर रहा है, वो होता है sender. The sender is one who is sending the data. Sender कौन होता है, who is sending the data, जो data को send कर रहा है वो होता है sender. Next आता है receiver. अब receiver क्या होता है, the receiver is the person which one who is receive the data from the other party and other end. Receiver एक ऐसा person होता है या फिर एक ऐसा computer system या device होता है जो किसी another device से, person से या फिर another computer system से जो भी data आ रहा है, sender जो send कर रहा है उसको observe करता है, यानी कि उसको receive करता है। And after receiving the message will be respond. हो सकता है कि सिर्फ receive करना उसको काम ना हो, ये भी हो सकता है कि सेंडर ने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट जनरेट की हो, हाइपरलिंक की या इमेज की, किसी भी चीज़ की, तो रिसीवर को उस पर्टिकुलर मैसेज पर रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि रिसीवर रिसीव तो करेगा डेटा को, बट उसका ये भी काम है अगर कुछ रिस्पॉन्स की बात आई है
कि आपको मैसेज का रिस्पॉन्स करना है, वो रिस्पॉन्स भी करेगा टू द मैसेज यूटिलाइजिंग अ रिप्लाई वन एंड एक्नॉलेजमेंट, और प्लस एक्नॉलेजमेंट देगा सेंडर को कि आपने जो ये डेटा मुझे भेजा है, मैसेज भेजा है, ये मुझे मिल गया है। नेक्स्ट डेटा आप भेज सकते हैं अगर भेजना है, नहीं तो कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मीडियम। मीडियम में क्या होगा, थ्रू अ चैनल और अ मीडियम, किसी भी चैनल के थ्रू या फिर किसी मीडियम के थ्रू टू कंप्यूटर विल कनेक्ट फॉर अ कम्युनिकेशन। दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के थ्रू, वायर्ड हो या वायरलेस हो या नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो, किसी भी टाइप के डिवाइसेस हैं, बट टू हार्डवेयर जो भी दो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे आफ्टर कम्युनिकेट आफ्टर कनेक्शन। द डेटा विल ट्रैवल थ्रू द मीडियम और द चैनल ओनली, यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो किसी न किसी मीडियम या चैनल के थ्रू ही आगे फर्दर ट्रैवल करेगा। Sometimes the medium is either wired or sometimes it be wireless. यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जो medium है जहाँ से data travel करेगा वो wired भी हो सकता है और wireless भी हो सकता है किसी भी type का। Next जो component आता है वो आता है protocol. Protocol का meaning क्या है, the meaning of the protocol is the set of rules. Rules यानी set of rules का meaning क्या है, कुछ ऐसे बने बनाए rules हैं जिसके ऊपर हमारा डेटा जो है किस तरीके से ट्रैवल होगा, किस तरीके से सेंड होगा, किस तरीके से दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो सब बताने का काम कौन करता है यहाँ पर, प्रोटोकॉल। दैट हैव फॉलो वाइल कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी नोड्स होंगे उन सबको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा वाइल डेटा कम्युनिकेशन, जिस टाइम वो डेटा जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहा होगा उस टाइम पे। बाय फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन, अगर हम प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, इट बिकम इजी एंड फ्लेक्सिबल, तो कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और फ्लेक्सिबल हो जाएगा। एवरी मैसेज दैट इज पार्टिसिपेटेड इन द कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज सेंड किया जाएगा कम्युनिकेशन के टाइम पे, हैज़ टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, तो उसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दो टाइप के प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज TCP एंड IP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ये प्रोटोकॉल्स हैं, दोनों का काम अलग अलग है, अगर आप चाहें तो इनको साथ में भी यूज़ करते हैं और किया भी जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, जहाँ पर उसे बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जहाँ पर ये एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, जो भी प्रोटोकॉल हैं ये दोनों डिफरेंट टाइप के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, कंटेंट समझ में आएगा। फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।